चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट। बगल में रहती है हमारे स्टूडियो के और जस्ट ये आई हमसे खेलने। खेलने आई हो ना? तो गौरी बहुत अच्छा गाना भी गाती है। कौन सा लगाती है गौरी? ये जनगण मनगण बहुत अच्छा गाती है और ये अपना नेशनल एंथम है, इसे बहुत पसंद है। हाँ। और ये कहीं भी गाने लगती है नहीं? हाँ। और हमारे जो भी बोलो जाते हैं ना, वो सबका हेल्प करते हैं। जो भी गलत बात है हमें तो तो सुने आपने गौरी की बात। अभी हम लोग पहले खेलेंगे, उसके बाद हम लोग आपको नेशनल एंथम सुनाते हैं। पहले खेलेंगे ना? हाँ। तो हम लोग चल रहे खेलने। हाँ, अभी सुनाएगी लेकिन पहले ये खेलना चाहिए। हाँ वो लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले खेलेंगे। पहले खेलेंगे उसके बाद हम लोग। आपको भी खेलना है तो आप भी खेल सकते हो हमारे हमारे कुछ के साथ, तो कमेंट में चलो बताएं। आपने सुना ना गौरी ने क्या कहा? अब ये बोल के जा रही है आप लोग खेलना है हमारे साथ ही, चलो। और ये रहा बेयर बीच में चेयर, और गौरी कहती है कि गाना गाइए आप ताकि जब हम रुकेंगे। गौरी इधर आओ, नियम बता दो क्या करना है, इसे कैसे खेला जाता है। गाइस ये चेयर वाली बात थी, देखते हैं इसका क्या रूल है। क्या रूल है? बैठना और खेलना जरूरी है। बैठना और चलो बैठना और खेलना जरूरी है। कब रुकना है? रुकना। कब रुकना है, जैसे कब रुकना है? गाना बजने का तो गोल गोल घूमना है। हाँ। अगर अगर गाना बंद हो गया तो आपको बैठ जाना है। तो गाइस आप समझ गए, गाना बजना है तो गोल गोल घूमना है, अगर बंद हो गया तो रुक जाना है तुरंत। तो आओ लेट्स गो, चलो गाइस तुम दोनों खेलते। ये रहा गौरी का चेयर और ये रहा बैट जिस पे कूदती है, और गौरी ने बोला है कि आप गाना गाइए और हम चलेंगे। तो गौरी हम गाना गाएं? हाँ। कौन सा गाएं बताओ? लंदन वाला। लंदन देखा, पेरिस देखा। हाँ। चलो ठीक है, आओ शुरू करते हैं। लंदन देख, ओके 1 2 3। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। लंदन देखा, पेरिस देखा और हाँ गा रहे गा रहे, हमको थोड़ा कम आता है ना, तुमको आता है ना। देखा जापान, अच्छा ठीक है। चाहिए जमुना रंग, भारत माता की जय। तो गाइस अगर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में खेलना जरूरी लिखें। भारत माता की, भारत माता की जय। मेरा देश मेरा मुल्क, दौड़ो चलो। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ए वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा दिल, मेरा मन, वतन, वतन। गौरी थक गई तो बैठ गई। तो गाइस हमने गाना बंद किया नहीं, उससे पहले गौरी बंद गई गई और बैठ जाती है, हमेशा चीटिंग करती है गौरी। इधर आओ, तुम हमको बताओ चीटिंग क्यों करती है, बताओ बस सही। ये चीटिंग क्यों करती है पहले ये से पूछिए। इधर आओ, नहीं नहीं हमको बताओ। अच्छा ठीक है, चलो तुम बताओ। गौरी चीटिंग करती बैठ जाती है। 1 2 3।
अब हम नहीं गा रहे हैं। तो गाइस फिर से ये चीटिंग की है, बंद करके इधर आओ, पहले तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ लोगों को चीटिंग की है। देखा गाइस ये बोलती नहीं है, बोलती है चुप्पे चुप्पे बोलती है। गौरी क्या बोल रही है? टिकट। टिकट किस चीज का? टैटू बनाने का। गौरी टैटू बनाने का टिकट मांग रही है और मुझे खुद नहीं पता कि टिकट होता क्या, बताओ। वो बस टिकट ही होता है। स्टिकर की बात कर रही है ना? टिकट। टिकट ये क्या? हाँ देखो देखो दादी क्या बोल रही है, कह रही है बैग कोई उठा ले जाएगा, जल्दी 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 जल्दी। देखो देखो छोला भटूरा। गौरी को क्या पसंद है? छोला भटूरा। छोला भटूरा। और आज गौरी क्या खाने वाली है? छोला भटूरा। गाइस सुने ना, मम्मी ने बनाया है छोला भटूरा। गौरी हमको नहीं खिलाओगी? अरे क्या कर रहे हैं, हमको नहीं खिलाओगी गौरी? देखे अभी हमारे साथ खेल रही थी, करी हमको नहीं खिलाएंगे, अब हम भी जा रहे कट्टी बाय। देखे एक मिनट में दोस्ती, एक मिनट है। तो आइए गाइस अब मैं बेली पियर्सिंग करने जा रहा हूँ और हमारे क्लाइंट आ चुके हैं स्टूडियो पे, तो इनका मैं बेली पियर्सिंग करूँगा, फिर टैटू भी बनाना है, कई सारे आज काम है जो छोटा छोटा क्लिप में मैं दिखा दूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ, निकल गया हूँ बाहर, जा रहा हूँ तो देखता हूँ। गाइस फाइनली आज मैं आ गया हूँ अपने रूम में और ये आज मैं बनाऊँगा बैंगन की सब्जी और आलू की सब्जी, और अभी बना के खा के फिर जाऊँगा अपने काम पे। और ये रहा मेरा किचन छोटा सा और अब मैं बनाने वाला हूँ और हमारे मित्र माँज रहे बर्तन अभी जल्दी जल्दी, तो काम कर ले जल्दी से क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है गाइस, तो जल्दी जल्दी काटना है, बनाना है एक बैंगन। पता है गाइस घर पे रहते तो बैंगन आलू पहले कुछ सब्जियां तो खाते ही नहीं थे, लेकिन जब से बाहर आए ना तब से सब कुछ खा लेते हैं जो मना करते थे, सबसे खा लो। खैर देखे टुकड़े टुकड़े में करके होता है। तो गाइस देखे यहाँ पर तड़का लग रहा है और ये रहा हमारा सब्जी उब्जी कट गया, अब ये रहा हमारा जो बाथरूम है, अभी हम चावल धोने जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा चावल जो कि मैं 2-3 पानी धुल दिया हूँ और अभी और धुल रहा हूँ, लगभग मैं धुला ही गया है। अब मैं चावल जा रहा हूँ बनाने। तो गाइस चावल रख दिए हैं और ये रहे बना रहे हैं अभी, देखिए उसके नीचे से सुलगा दिया गया है, आग लग गया है, तो चावल भी 10-15 मिनट में बन ही जाएगा और टाइम मेरा हो ही गया लगभग, में जल्द से जल्द खा के स्टूडियो पे भागना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा कुटिया में रोज़ आना है, खाना है, बनाना है, कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, तो ये डेली चलता रहता है। ये खाना बन गया है और ये रहा भी निकल रहा है और सर मेरा बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी स्टूडियो पे भी जाना है काम करने, क्योंकि अभी भैया इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन खाना खा ले। गाइस सब्जी और चावल बन गया है और हम अब खाने जा रहे हैं अपने रूम पार्टनर के साथ, हमारा रूम ये है और बगल में हमारे मित्र हैं जो इनका है, इन खाना अभी कभी हम बना देते हैं कभी ये अपने बना लेते हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके बनाते हैं। तो आपको ये खाना भेज तो नहीं सकते लेकिन देख करके मन ही मन टेस्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू। आज मैं रोड पे निकला था तभी कुछ बच्चे मिल गए, ये क्या बोल रही है घूमोगी? देख रहे गाइस जबरदस्ती मेरे साइकिल पे बैठ गई, ओए चलो थोड़ा दूर घुमा दे रहा बस वहीं से यहाँ तक, ठीक है
लो चलो साइकिल हमको हमको कैसे आएगा देखो तो ठीक है चलो अब उतरो। पाँच रुपया तो तुम्हारा यहाँ घुमाए इतना दूर तक पैसा नहीं है क्या तुम्हारे पास नहीं। तब हम नहीं घुमाएंगे जाओ नहीं। तो तब वहाँ तक घुमा दे हाँ, चलो चलो ये लो ऐसे पकड़ो बोलती रहो बोलो क्या बोले अपनी बात बताओ क्यों बैठी हो साइकिल पर बताओ हमको घूमने का मन कर रहा था इसलिए हम बैठे हैं इसलिए भैया हमें घुमा रहे हैं आगे तक ठीक कहाँ तक घूमोगे बता दो हम लोग आगे तक घूमेंगे जो वहाँ पे टोटो है टोटो तक गाइस देख रहे हैं कितना मेहनत बेचारी करवा रही है तो दोस्तों आ गया ठीक है ना बोल दो बाय तो गाइज रास्ते में कुछ बच्चे भी तो गाइज आज दिन भर में दो तीन छोटा टैटू हमने बनाया और अब मैं दिखा का काम ख़त्म हुआ और मैं दुकान बढ़ाने जा रहा हूँ अपना स्टूडियो और मेरा टाइम हो गया ओवर स्टूडियो बढ़ा लिया गया अभी 11:15 हो रहा है लगभग में तो गाइज मेहनत तो है गाइज आप देख सकते हैं हमारा स्टूडियो ये रहा और हमने इसको बढ़ा दिया अब मैं निकल रहा हूँ रात में अभी देख रहे हैं सब लोग अभी भी जग ही रहे हैं और ये हैं हमारे ठीक स्टूडियो सामने हमारे दोस्त तो हर हर महादेव दोस्तों और अभी टाइम क्या हो रहा है सर 12 बजने वाला है तो गाइज अभी 12 बजने में कुछ मिनट बाकी है और हम लोग अभी मेरा स्टूडियो बढ़ा दिए हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे कुछ बना के खाऊंगा मर्जी किया तो नहीं मन किया तो देखा जाएगा हम लोग खाएंगे खीर पूरी और क्या देख रहे हैं गाइस प्लान हम लोग बनता है 1 जनवरी से पर कुछ हुआ नहीं है गाइस हम लोग सोचे थे 9 जनवरी को मतलब ये जो 1 जनवरी आया था तो कुछ बना के खाएंगे लेकिन इतना काम होने को जिस टाइम नहीं मिला बट बहुत जल्दी किया जाएगा सो हर हर महादेव गुड नाइट ओके चलते हैं सर हर महादेव तो गाइस मैं रूम पे आ गया हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं अपना पल्सर रखने जा रहा हूँ ये रहा मेरा पल्सर इधर मैं रखता हूँ अपना ये रही मेरी सवारी खड़ा करने की फिलहाल मैं आप खाना नहीं बनाने वाला हूँ कुछ बनाऊँ पर ही अभी आई एम टायर्ड ना डोर को लॉक करने का चलते रूम गाइस मैं अब अपने रूम पर आ गया हूँ और मेरा मेरा रूम अंधेरा है लाइट जला दिया हूँ अब टाइम बज रहा है 12:00 कुछ तो गाइस अब मैं खाना बनाऊँगा नहीं आज अब मैं सोने जा रहा हूँ और लाया हूँ पराठा पैक करा के गाइस मैं लाया हूँ पराठा उसे मैं खाऊँगा और आपको भी खाना है तो खाइए फिलहाल खा के मैं सोऊँगा अभी से मेरे दुकान के आगे स्टूडियो के आगे बनाता है बहुत बढ़िया पराठा बनाता है लेकिन रोज़ रोज़ तो खा नहीं सकते हैं इसीलिए मैं खाना बनाता भी हूँ तो टाइम के अकॉर्डिंग कभी क्लाइंट ज़्यादा रहते हैं तो कभी नहीं रहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं सो बाय बाय गुड नाइट मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू सेशन के साथ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद जय भारत सो गाइज फाइनली आपने देखा मेरा ब्लॉग और ये मेरा पहला ब्लॉग था मुझे मतलब मैं कैसे बनाया हूँ मैं ही जान रहा हूँ बट गाइज मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार मैं बनाया हूँ तो अगर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं मुझे जब जब टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग आप लोग के लिए बनाता रहूँगा और मेरे इस चैनल पे आपको ड्राइंग पेंटिंग आर्ट एंड टैटू से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी बिकॉज आई एम अ टैटू लवर स्पेशलिस्ट है टैटू एंड पियर्सिंग जो ईयर पियर्सिंग होता है उसके साथ साथ बहुत सारे सर्विसेज हैं इस हमारे चैनल पे तो गाइज ब्लॉग के साथ साथ आप हमारे जैसे टैलेंट को भी आप देख सकते हैं अगर वाकई में आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा इंस्टा फेसबुक यूट्यूब को तो जय हिंद जय भारत मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जय हिंद